हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनशॉट एप्लीकेशन में आप टेक्स्ट स्क्रॉल कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी वीडियो में आप देखते हो कि वीडियो चलता है और नीचे जो है टास्क बार में टेक्स्ट स्क्रॉल होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट तक जाता है। तो फ्रेंड्स, वो कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कैसे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वीडियो में आपको क्लिक करना है, और वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको न्यू में क्लिक करना है, और आपको अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप टास्क बार में टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। तो सिंपली आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको एक वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो चाहिए या फिर रेड बैकग्राउंड का, किसी भी कलर का हो, चाहे एक ही कलर का बैकग्राउंड चाहिए। तो सिंपली आपको एक कलर का बैकग्राउंड गूगल में भी मिल जाएगा, यूट्यूब बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको ले लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बैकग्राउंड। उसके बाद आपको अपने हिसाब से इसे साइज़ कर लेना है, और आपको यहाँ पर नीचे टास्क बार में सेट कर देना है। सेट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो लेयर आ रहा है रेड कलर में, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसको आपको वीडियो के एंड तक ले जाना है। तो वीडियो को एंड तक ले जाना है, और ले जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे आपका लेयर सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके का बटन मिलेगा, तो सिंपली आपको ओके वाले बटन में क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट लिख लेना है जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को वीडियो के एंड तक ले जाना है। तो जैसे वीडियो के एंड तक ले जाओगे, उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो टेक्स्ट लिखे हैं उस टेक्स्ट को साइज में सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपने उंगली से इस टेक्स्ट को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इसे आप सबसे इंट में, जो लास्ट होता है ना लेफ्ट राइट साइड, तो राइट साइड में आपको ले जाना है और यहाँ पे रख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक की फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली की फ्रेम वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वीडियो का लेयर है उसे आपको वीडियो के एंड तक ले जाना है। ले जाके आप यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आपको उस लिखावट को, यानी कि टेक्स्ट को क्लिक करना है, और टेक्स्ट को धीरे धीरे यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड तक ले जाना है। धीरे धीरे उंगली से ऐसे ले जाना है, और जैसे ले जाओगे उसके बाद आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली ओके वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो फ्रेंड्स, वीडियो को जैसे प्ले करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो टास्क बार है, यहाँ पे लिखावट आ गया है और ये स्क्रॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आप की फ्रेम का यूज़ करके टास्क बार में टेक्स्ट लगा सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।